कि ना तो मेरी किसी के साथ दुश्मनी है और ना मेरे किसी के साथ भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि मैं ये सोचते में मजबूर हूँ कि कोई तीसरा बंदा ऐसा कर सके। ये वीडियोस मेरी अपनी दोस्त आयशा नाज और संदल हटक ने वायरल की। उन्होंने मेरे बल्कि 1 साल पहले मैंने ये वीडियोस बहुत पुरानी है। मेरी ये दोस्त है, मेरे साथ ही रहती थी, मेरे घर में रहती थी। और एक तकरीबन कुछ अरसा पहले मेरा रिकॉर्ड भी मौजूद है कि मेरा आयशा नाज ने मोबाइल का डेटा हैक किया था, तो मैं साइबर क्राइम गई थी और वहां पे मैंने एप्लीकेशन दी थी। इस्लामाबाद साइबर क्राइम के अंदर मैंने एप्लीकेशन दी थी और उनको मैंने बोला था कि मैं मेरे मोबाइल का जितना भी डेटा, जितनी भी वीडियोज वगैरह है, वो आयशा नाज ने आपने मोबाइल में ट्रांसफर की है। तो साइबर क्राइम ने मुझे ये बोला कि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम एक्शन नहीं ले सकते। 1 साल पहले की बात है कि अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो लीक हुई होती तो हम एक्शन लेते। लेकिन मैंने साइबर क्राइम से ये अल्तमास की थी, रिक्वेस्ट किया था कि ये मतलब वीडियोस लीक करती हैं और ये बंदे को ब्लैकमेल करती हैं, जबकि ये सब कुछ बताने और सब प्रूफ देने के बावजूद भी साइबर क्राइम ने एप्लीकेशन के बावजूद ये बात की कि जब तक कोई सॉलिड प्रूफ ऐसे आ गया तो उसके बाद ही हम पाबंद हैं कि हम लोग एक्शन लें। आयशा नाज के अगेंस्ट मैंने एप्लीकेशन दी थी। और फिर कुछ से मेरे और आयशा नाज के आपस में क्लेश चल रहे थे। मैं जापान में थी और जापान से फिर मैं डायरेक्टली कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान से मैं मोरक्को आ गई। तो मेरी एक दोस्त है, कुछ दिन मतलब 3-4 दिन पहले मेरी एक दोस्त के पास आयशा नाज गई और उसको कहा कि हरीम की मेरे पास वीडियोज है, मैं वायरल करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो ये आयशा नाज और संदल खटक, लेकिन डेफिनेटली बेशक मेरे मियाँ के साथ मेरी वीडियोस हैं या आयशा नाज ने रिकॉर्ड कर क्लिक किए, जो भी किए, तो मेरे जैसा मैंने पूरी दुनिया को दिखाया है। तो अब इदारों से ही उम्मीद रख सकती हूँ कि इदारे क्या कर सकते हैं, बल्कि मैं तो अमर लियाकत बन नहीं सकती, इतना बुजदिल तो मैं हूँ नहीं कि मैं खुद मरूंगी या वो करूंगी। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली, चूंकि मैं मैरिड हूँ और मैं सईद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली इतनी बोल्ड नहीं है, इतना वो नहीं है। बेशक मेरे हस्बैंड मेरे साथ स्टैंड करते हैं, मेरे हस्बैंड हर बुरे और अच्छे लम्हे में, क्योंकि मुझ पर आंखें बंद करके ट्रस्ट है और उनको सारी, उनको बहुत अच्छे से मेरी दोस्तों का भी पता है और उनको इस बात पे यकीन है कि ये सब कुछ आयशा नाज ने की है, बल्कि किया ही आयशा नाज ने। हमारे किसी के साथ कोई भी इख्तलाफात नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। यही कहूंगी कि आयशा नाज को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ संदल हटक को, फिर बाकी सारे निकल जाएंगे कि इन्होंने वीडियो किस किस को फॉरवर्ड की है, कहाँ कहाँ भेजी है, वो सारा कुछ इनसे जब ये खुद हिरासत में होंगी।